वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी हम निकल रहे हैं लॉस एंजलिस की तरफ, और अभी मेरे पास देखो क्या है, मेरे जैकेट्स और कुछ है, मतलब कि कुछ और कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं। बट मेरा जो ट्रिप होने वाला है ये कोई मतलब कोई बड़ा ट्रिप नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा जॉब है परसों से। तो इसलिए मैं अभी जाऊँगा, कल आ जाऊँगा अपने, मैं एक फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, कानन के साथ, आप लोग उसको जानते हैं। बस हम दोनों जा रहे हैं और बाकी लोग के अपने अलग प्लान है। तो अभी मैं अपनी कार के पास आ चुका हूँ, और कल फिर से गाइस मैंने अपनी कार को पता वहाँ आगे लगाया था, फिर भी मेरा ये जो शीशा है ना, ये ऐसा ना ऊपर नहीं जाता, ये थोड़ा सा यहाँ तक खुला रहता है, तो अगर बाहर से कोई इसको ऐसे पुश करेगा तो ये नीचे गिर जाएगा। तो उसने किसी ने पूरा ऐसे पुश किया, ये नीचे आ गया, और फिर गेट खोला, और फिर आगे सब कुछ चेकिंग किया उसने, मतलब फिर कॉल कॉल किया स्टोलन। इसको डालेंगे, हाँ इसको, और इससे करेंगे हम क्लोज, अंदर चलते हैं। अभी करते हैं कानन को पिक, वो रेडी है, एंड देन हम लोग फिल भराएंगे, मतलब कि पूरा गैस फुल कराएंगे, और देखते हैं कितना कॉस्ट लगता है गैस का, शेयरिंग होगा सब कुछ हम दोनों के बीच में। तो चलो देखते हैं क्या हम लोग एले $100 के अंदर घूम पाते कि नहीं घूम पाते, और मेरा यकीन है कि हम घूम पाएंगे, और बिल्कुल घूम पाएंगे एक रात के लिए। चलो गाइस लेट्स गो। मैं अपने टैंक में फुल करा रहा हूँ फ्यूल, और चलो देखते हैं कितना पैसा लगता है। इसका सबसे बड़ा टैंक है ये BMW का, बहुत ज़्यादा बड़ा टैंक है, लाइक आम का लाइक अराउंड लाइक $35-$40-$50 फुल हो जाता है। चलो देखते हैं इसका कितना होता है, कॉस्ट कितना लगता है। हम लेंगे प्रीमियम वाला, $4.6 पर गैलन। सो फाइनली मैंने टैंक पूर करा लिया, और देखो कितना कॉस्ट हुआ है, टोटल $60 अप्रॉक्सीमेटली, एंड 13 गैलन ऑफ फ्यूल इसमें भरा है। अभी मेरे को नहीं पता अभी फुल हुआ होगा कि नहीं, मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली फुल हो गया होगा, बट 13 गैलन इज इक्वल टू लाइक अराउंड 13 को आप लाइक 3.8 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना लीटर है इसके अंदर फ्यूल टैंक, अभी भी उतना मैंने फ्यूल भरा है इसके अंदर। और चलो देखते कहाँ तक जाता है इतना में कार। अभी हमने एक स्टॉप लिया है स्टारबक्स में, यहाँ पर मेरे पीछे स्टारबक्स है, और ये जो पूरा आउटलेट है, ये पूरा आउटलेट है, यहाँ पर सब कुछ है, स्टारबक्स है, सबवे है, यहाँ पर इसलिए बनाया गया कि हाईवे से यहाँ कोई थक जाता तो आगे यहाँ पर कर सकता अपना रेस्ट। तो अभी जा रहे हैं स्टारबक्स के अंदर कुछ कॉफ़ी लेने के लिए। सो अभी हम लोग अपने ऑन द वे है, स्टारबक्स में रुके थे कुछ कॉफ़ी के लिए, एंड देन बनाना मैं लेके आया था बनाना, तो कुछ सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था। तो चलो अभी कंटिन्यू करते हैं, अभी भी लाइक 300 miles दूर है हमारा लॉस एंजलिस, और 300 miles कवर करने में हमें लगेगा अराउंड लाइक 4 घंटा 25 मिनट के आसपास अकॉर्डिंग टू द मैप, एंड ये करेक्ट ही है। देन हम लोग अभी कितना बज रहा है, 10:50 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 11 बज रहा है, और हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पर लाइक अराउंड 3:30 के आसपास हम पहुँच जाएंगे लॉस एंजलिस। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। अभी हम लोग दूर आ चुके हैं, पर लाइक सैक्रामेंटो से दूर आ चुके हैं हम लोग, लाइक अराउंड लाइक हमने अभी 70 miles ट्रैवल कर लिया, अभी भी लाइक 340 miles ट्रैवल करना बाकी है, और हाईवे में बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर स्पीड लिमिट ही लाइक 70 miles है, विच इज अराउंड लाइक 120 kilometers, बट यहाँ क्या हो रहा है, एक लड़की हमारे पीछे जो हमारे साथ रेस करना चाह रही है, और बार बार हमें पीछे छोड़ दे रही है, मतलब कि हम उसे पीछे छोड़ दे रहे हैं बार बार, हालांकि उसके पास होंडा सिविक कार है, जो कि मतलब काफ़ी 6 सिलेंडर वाला इंजन है, मेरा भी 6 सिलेंडर वाला इंजन है, बट लाइक वो मेरे से रेस कर रही है, हम लोग दोनों से रेस कर रही है, बट
हमने अब सोचा कि छोड़ दो बच्ची है बेचारी, क्या क्या ही रेस करना है, मारो उसको पछाड़ दे रहे हैं। तो गाइस अभी विजिबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली जीरो है, आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, आगे सो करो, आगे कुछ भी लिटरली नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने अपना हैजार्ड लाइट ऑन कर दिया, बाकी सब ने भी ऑन कर दिया है, बट लिटरली कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, गाड़ी बहुत स्लो चलाना पड़ रहा है। गाइस अभी हम लोग टाको बेल से रुके हैं, अभी यहाँ से और 115 माइल्स की दूरी पे है लॉस एंजलस, तो थोड़ा यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। टाको बेल से रुके हैं यहाँ पर एंड देन कुछ लंच कर लेते हैं यहाँ पर। और मौसम अभी तो ठीक है, लॉस एंजलस में मौसम एकदम परफेक्ट है, लाइक प्योर परफेक्ट है, और वहाँ पानी भी नहीं पड़ रहा है, 0% चांस है रेन का एंड देन परफेक्ट वेदर है। तो चलो देखते हैं क्या होता है आगे। तो गाइस फाइनली हम लोग एलए एंटर कर चुके हैं, ये एलए का ही आसपास का एरिया है और एक नंबर है, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पर और अलग ही फीलिंग है यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।